राजधानी राजधानी राजधानी। उन्नीस सौ बयानवे में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद कार्य सेवकों के विश्व हिंदू परिषद जो जातिवादी शक्तियाँ उन्होंने प्लानिंग के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर घटना चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटना चला, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाल दिया उसका ये पहला वर्ष है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है कि इस लोकतंत्र के देश में जो न्याय की जो अपेक्षा इस भारतवर्ष के मुसलमानों को और सेकुलर विचार रखने वालों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को जो थी, वो अभी तक इंसाफ हम लोग नज़र से हमको दिखा नहीं और अन्याय हुआ, ऐसे हमारी और पूरे भारतवर्ष के सेकुलर लोगों की समझ है। उसका कारण ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ हम आधार करते, उसके अंदर कोई उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो निकाल आया वो निकाल आया, उसका हमने आदर किया। लेकिन जो लोग कार सेवकों ने मस्जिद को शहीद किया और सीबीआई कोर्ट ने उन लोगों को भी निर्दोष घोषित कर दिया, तो प्रश्न ये आज इस देश के सामने है कि फिर शहीद बाबरी मस्जिद को शहीद किन लोगों ने। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान इस भारतवर्ष और इस विश्व के सामने है। हम ये मानते कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज भी है और ता कयामत तक वो बाबरी मस्जिद रहेगी। हमारी अपेक्षा है कि आप ये निवेदन माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आप सिफारिश करके हमारी बातों को हमारी भावनाओं को आप राष्ट्रपति तक पहुँचाएंगे। ये अपेक्षा और ये निवेदन आपको सौंप। राजधानी राजधानी राजधानी। आज 6 दिसंबर को तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी की बैनर के ऊपर शेख रशीद साहब जो इसके सदर है और तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी की जानिब से आज मालेगांव शहर के प्रांत साहब को हमने आज मेमोरेंडम दिया। 1992 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और जो कार सेवक थे, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और जातिवादी शक्तियों के संगठनों के देश भर से जो जातिवादी शक्तियों के जो लोग वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने एक प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के नेतृत्व में जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, हम सबसे पहले उस बात की मुजम्मत करते हैं जो बाबरी मस्जिद को जिन लोगों ने शहीद किया उनकी मुजम्मत करते हैं।
और आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया हम उसका आदर करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर भी मुकम्मल तौर पर हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला इस देश के मुसलमानों को और इस देश के हिंदू जो सेकुलर हिंदू भाई है उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो एक पंचायती फैसला था, जैसा कोई परिवार के अंदर जमीन का कोई प्रॉपर्टी में झगड़ा हो जाए तो पंचायत के अंदर जो हल होता है ऐसा पंचायती फैसला हम लोग मानते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम आदर करते हैं, लेकिन एक बहुत ताज्जुब की बात है जो लाल कृष्ण आडवाणी, मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कड़ियार, अशोक सिंगल, ऐसे लोग जो इन्होंने बाबरी मस्जिद को जाकर कार सेवकों को ले जाकर शहीद कर दिया और उसके बाद जो सीबीआई का जो फैसला आता है बाकायदा उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आज सवाल इस देश के मुसलमानों के सामने और इस देश के सेकुलर हिंदू भाइयों के सामने ये है कि फिर बाबरी मस्जिद को शहीद किसने किया, ये एक सवालिया निशान है। और हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि जिस दिन से ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार इस देश के अंदर 2014 में आई उसी दिन से ये एक डिक्टेटरशिप और ये हुक्मशाही चलाने वाली सरकार है और न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है उस वक्त ये बात इस देश के सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट के चार जज बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, उसी वक्त से ये बात लगने लगी कि इस देश के अंदर अब न्यायपालिका के ऊपर भी कोर्ट के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मन मुताबिक फैसला करवा रही है। ये बात बिल्कुल वाजे तौर पर इस देश के सामने आ चुकी है और बड़े ताज्जुब की बात यह है हम इस बात की मजम्मत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के रंजन गोगोई जिन्होंने बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाया उनको तोहफे के तौर पर, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति महोदय ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सिफारिश पर उनको नॉमिनेट करते हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये वो देश जो गांधी जी का, मौलाना आजाद नेहरू जी का, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो घटना जो बनाई जो सभी मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलने का, और ये देश सेकुलर देश है, इंसाफ सबको मिलना चाहिए, आज इसकी धज्जियां ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है और ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है। आज भी हमारा ये मानना है, आइए निवेदन के माध्यम से ये डिमांड है कि राष्ट्रपति महोदय इंसाफ इस देश की आवाम को मिलना चाहिए, आज भी हमारी अपेक्षा है और हमारा मानना है। कल भी बाबरी मस्जिद थी, है और इंशाल्लाह कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी, ये हमारा भावना, ये हमारा ईमान है। और इसके लिए अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है तो हमको आदर है, लेकिन जब जब 6 दिसंबर आएगा तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत एक्शन कमेटी मजम्मत करती रहेगी और इंसाफ मांगते रहेगी, क्योंकि ये देश सेकुलर देश है और सबको अपना बोलने का, एहतजाज करने का, इंसाफ मांगने का हमारे घटना ने अधिकार दिया है और उस घटना के अधिकार के माध्यम से हम लोग इंसाफ मांगते रहेंगे।